ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। जी हां, दिल्ली में एक खूबसूरत ब्रिज बनकर तैयार हो गया है जिससे शहर का शानदार नजारा देखा जा सकता है और आज हम आपको उसी ब्रिज से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं। इस ब्रिज की खास बात ये भी है कि इस ब्रिज से न सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही आसानी से होगी बल्कि यहाँ ग्लास बॉक्स होगा जिसमें पहुंचकर सेल्फी लेने का भी मौका होगा। सोशल मीडिया पर इस ब्रिज के बारे में लोग काफी चर्चा कर रहे हैं और फोटोज भी अपलोड कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या है इसकी महत्वपूर्ण बातें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यमुना नदी पर बना यह ब्रिज 5 नवंबर से आम जनता के लिए खुल जाएगा। इस ब्रिज पर 154 मीटर ऊंचा ग्लास बॉक्स भी होगा जो पर्यटक स्थल के रूप में लोगों को शहर का बर्ड आई व्यू देगा। इसके लिए 4 एलिवेटर लगाए गए हैं। सिग्नेचर ब्रिज के सहारे एक बार में कुल 50 लोग पुल के शीर्ष पर पहुंच सकेंगे। सिग्नेचर ब्रिज करीब 1518.37 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाने वाला करीब 251 मीटर ऊंचा ब्रिज होगा। इसके पायलॉन की ऊंचाई 154 मीटर होगी। ब्रिज पर 19 स्टे केबल्स हैं। सिग्नेचर ब्रिज का मुख्य आकर्षण उसका मुख्य पायलॉन है। पायलॉन के चारों तरफ शीशे लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट की योजना करीब 13 साल पहले शुरू की गई। 2004 में इसे मंजूर किया गया। इस प्रोजेक्ट को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले तैयार होना था लेकिन उस समय इसकी कीमत 1131 करोड़ रुपए थी, जबकि 2015 में इसकी कीमत को 1594 करोड़ किया गया, जबकि 1997 में इसकी लागत केवल 464 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये पुल वजीराबाद रोड को करनाल बाईपास से जुड़ेगा। इसे न सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार, गोकुलपुरी, भजनपुरा और खजूरी की तरफ से मुखर्जी नगर, तिमारपुर, बुराड़ी और आजादपुर जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी बल्कि कश्मीरी गेट से लोनी, सोनीपत, सहारनपुर, बागपत जैसे यूपी के शहरों में जाने वाले ट्रैफिक को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। वो आसानी से अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे, जबकि अभी व्यस्त समय में वजीराबाद पुल पार करने में ही करीब 1 घंटे का समय लग जाता है। तो ये थी सिग्नेचर ब्रिज से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और परिजनों के साथ इस जानकारी को साझा करें। और अगर आपकी अपनी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर